कानपुर शहर से कूलर्स और एसी ऐसे गायब हुए जैसे गधे के थर से सींग। इस गर्मी में दो ही लोग मजे ले रहे हैं, एक तो अपने सक्सेना जी और दूसरे वो है ना अपने भूप सिंह जी मां साहब। वो भी ऐसे कपड़े पहने घूम रहे हैं क्या? मार साहब के पास में एक नया कूलर आया है। कूलर? ये कूलर कब लेके आया? लड़के भैया कल रात ही लाए हैं। भैया ना अपने भूप सिंह मार साहब हद हो गई चिंदी चोरी की, कछु नहीं मिलो तो ससुर उनको कूलर ही चुरा कर ले गए। भैया ज्यादा उछलो मत, तिवारी भैया से हमारी सारी बातें हो चुकी है। क्या बता दिया, क्या बता दिया है? बता जेई के जा कूलर की तुम ठंडी हवा खा रहे ना जी, तुमने और ये अपने तिवारी भैया है ना, तुम दोनों ने मिलकर मां साहब के यहाँ से चुराया हुआ है। अरे दादा कानपुर को पूरा चप्पू चप्पू छान मारो है, हर घर में चेक कर लो है, लेकिन मां साहब आपको कूलर है मिलने को नाम ही नहीं ले रहा हुआ। ऐसा कर लो मां साहब दूसरा कूलर ले लो। अब कहाँ से दूसरा कूलर ले लें, मार्केट में कूलर खत्म हो चुका है। अभी आपकी जिम्मेदारी है हमारा कूलर ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो इस साल कमिश्नर का लौंडा पास नहीं होगा। ऐसा ना कहो मार साहब, अगर कमिश्नर को लौंडा फेल होगा ना तो हमें फेल कर देंगे कमिश्नर साहब, फिर हमारी नौ ठगी बच्चा प्रेग्नेंट बीबी उनको कहो को ससुर। तो फिर जल्दी से कूलर हमारा ढूंढ कर दो। सुनो हमें पूरा संदेह है हमारा कूलर तिवारी जी के यहाँ है। अरे नाना मां साहब जा बिल्कुल गलत सोच है आपकी, तिवारी ससुर घटिया है, लीचड़ है, बदमाश है, हम समझते हैं कंजूस भी है ससुर, लेकिन चोर नहीं है मां साहब ना। आप उनसे अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, समझे? हाँ समझ गए हम, लेकिन मां साहब अब रात को चलेंगे अच्छो नहीं लगेगा, सो रहे हुए ना, सवेरे चलते हैं ससुर। ठीक है हैं? चलो चलो फिर, संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। अरे संस्कार की बत्ती बना लो। लंदन में टैक्सी चलाएगा? अरे यार क्या रिएक्शन है ये? अच्छा वही ले तू यार ये पकड़, चल जा 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 भाई। अरे चाचा जी नमस्ते। अरे ये अरबी भतीजा कहाँ से निकल पड़ा? अरे नहीं नहीं चाचा जी, बदन पे बस अरबी ड्रेस है, दिल तो पूरी तरह हिंदुस्तानी है, मैं सक्सेना हूँ सक्सेना। अरे सक्सेना तू? क्या तुझे किसी अरबी ने रख लिया है? नहीं नहीं चाचा जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुन ले ये रात में जो है अरबी ड्रेस पहन के मत निकल, वरना कोई अरबी तुझे उठा के ले जाएगा और तू मैया मैया चिल्लाता रहेगा और अरबी अपना सारा काम कर जाएगा। I like it. अगर तुझे पसंद है, भाई कमाल है, अजीब अजीब से शौक है। अरे यार क्या गर्मी हो रही है भाई। रतिका मलकान देख के दरवाजे पे कौन है बेटा? है अबे दरवाजे पे देख ले कौन है। हाँ भैया चलो ये क्या हरकत है,
निकल कच्चा बनियान तो ठीक है, अपनी बहन के पास सो रहा है, लेकिन तू इसकी बीवी के साथ क्यों सो रहा है? चाचा जी, एक्चुअली मैं आपकी बहू के पास ही सो रहा था, लेकिन रात में नींद में खिसकते खिसकते मैं कब इनके पास आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ना नींद में खिसकने की बीमारी है। तो ठीक है, तू तो खुसक के जो है इस दुश्मन लड़की के पास आ गया, लेकिन बहू तू अपने भैया के पास कैसे पहुंच गई? कहा है ना चाचा जी कि हमको भी नींद में खिसकने का बीमारी है। अरे कमाल है, मैंने नींद में लोगों को चलने की बीमारी सुनी थी, लेकिन नींद में खिसकने की बीमारी पहली बार सुन रहा हूँ। अरे दुश्मन लड़की, तू मेरे भतीजे के घर में क्या कर रही है? वो मैं भी खिसकते खिसकते अपने घर से इस घर में आ गई। और तू कच्चा बनियान? नहीं, हम भी पता नहीं, बस खिसकते खिसकते इनके घर तक आ गए नींद में। अरे इतनी दूर तक खिसकने की क्या जरूरत थी, चल के ही आ जाता। वो पता नहीं चलता ना नींद में कि खिसक रहे हैं कि चल रहे हैं। जैसे तू खिसक के यहाँ आई है ना, वैसे तू यहाँ से खिसक ले चल। कहाँ खिसक लूँ? अरे अपने घर। अरे तो यही तो मेरा घर है। क्या? आए अनीता जी, क्या कह रही आप? आपका घर तो सामने है। ये तो भाभी, मतलब ये हमारा घर है। नींद में। हाँ, ये कहाँ मेरा घर है? मेरा घर तो सामने है, मेरा घर। हाँ तो चल जा, अपने पति को ले जा अपने घर पे, चल जा। नहीं नहीं, लड्डू के भैया कहीं नहीं जाएंगे। लड्डू के भैया? आप तो जानते ना, ये अपने लड्डू अपने अपने भैया को लड्डू के भैया बोलती है। हाँ। अरे बहू, अपने भैया को भैया बोला कर, ये बीच में लड्डू कहाँ से ले आई? लड्डू को खा जा और भैया बोल। बोल भैया। भैया। चाचा जी, ये क्या हो रहा है? कहे आप इतना रायता फैला रहे हैं यार? अरे चुप कर, सुन, जब तेरी बहन तुझे भैया कह रही है तो तेरे कुर्ते क्यों छिल रहे हैं? जा, अपनी पत्नी को ले जा अपने घर, चल जा, जा। चाचा जी, क्या कि देखिए, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। देखिए चाचा जी, क्या है कि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। इन लोगों के पास, बेचारों के पास ना तो एसी है और ना ही कूलर है, तो हमारे पास कूलर है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आ गए थे हमारे कूलर की ठंडी हवा लेने के लिए। इस चक्कर में रात को खिसकम खिसकी हो गई चाचा जी। हाँ चल, ठीक है। पहले ये बताइए कि आप अचानक कैसे टपक पड़े? अचानक कैसे आ गए? अरे बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस टूर पे निकला हूँ। तो किसी होटल में रुक लेते चाचा जी? बकवास मत कर, मेरे भतीजे का इतना बड़ा घर है तो मैं होटल में क्यों रुक जाता? चुपचाप से आ जा अपनी बीबी के पास सो। और सुन खजेड़ू, तू आकर के चल बहू के पास सो, चल 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 चल। तुम लोग सो, अब क्या ऐसी एक दूसरे को देखते रहोगे? आप कैसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे हमें? अभी सो जाइए। अरे नहीं, मैं भी सो जाऊंगा। और लड़कों के साथ सो जाइए। अरे टीका मकान सुलाओ बेटा इनको, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं ये, लविंग पीपल। अरे जाओ ए लड़को, जा करके मेरा बैग लेके आओ, दरवाजा बंद करो, चलो जाओ। जा जा जा, उठो उठो, जल्दी उठ। अरे भैया, मलखान देख रहो कहाँ हीरो है? हाँ यार, जी कहाँ रायता फैल रहो है?
बस ये चाचा जी किसी तरह से जल्दी से सो जाए तो मैं विभू के पास चली जाऊं और अंगूरी जी यहाँ आ जाएंगी। अरे यार, ये भभूति जी के चाचा जी ने रात को रायता फैला दिया यार। बताइए, भाभी जी को हमारे बगल में सुला दिया। हमारी तो सांसें ही अटक गई थी। हम भाभी जी के बगल में सोए कैसा महसूस कर रहे थे ये हम ही जानते हैं, लेकिन एक तरह से अच्छा भी महसूस कर रहे थे। लग रहा था जैसे हम किसी भूरी और स्लिम हिरणी के साथ सो रहे हैं। सुबह सुबह इतनी गर्मी पड़ रही है, बड़ा छाई दे रहा है। तिवारी जी, हाँ, क्या हाल चाल? बस अच्छे हैं। पिछली रात जो हुआ उसका मंथन कर रहे थे। कैसा मंथन कर रहे थे? यही कि पिछली रात जो हुआ बहुत आनंद रहा। कैसा आनंद? आनंद यही कि कूलर की ठंडी हवा ने हमें ठंडक से सराबोर कर दिया। If you really go to see, आनंद तो हमने बहुत लिया। बड़ा खट्टा मीठा सा आनंद आ रहा था। खट्टा मीठा? कूलर के ठंडी हवा के साथ साथ लेमन जूस भी फेंक रहा था। लेमन जूस तो बगल में था। और बताइए तिवारी जी। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये आपके जो चचा हैं ये कब जाएंगे या रुकेंगे? अगर रुक जाएंगे तो उस मासूम साय के साथ सोने का फिर मौका मिल जाएगा। क्या कहा आपने? मैंने कहा उनकी मर्जी पे है, दिल करेगा रुक जाएंगे वरना चले जाएंगे। आई डोंट नो मच अबाउट हिम। वैसे कल रात आपके घर में जो हुआ उसे एक मीठा अनुभव जानकर भूल जाना चाहिए। जी मतलब कड़वा अनुभव जानकर भूल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब हमें अच्छा नहीं लगा। आखिर हमारी भी कोई प्राइवेसी है। अब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं कि आज कूलर की टर्न हमारी है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे ये चचा टाइप के लोग हमारे यहाँ आए। तो अब क्या चाहते हैं? मैं उनको घर छोड़ाऊँ गर्मी में सड़ने के लिए, घुटने के लिए? दैट इज योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो चाचा जी आएंगे, क्योंकि उस कूलर में जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। लस्सी पिला यार। अरे अरे अरे, क्यों कर रहे हैं झगड़ा, क्यों कर रहे हैं भैया? झगड़ा ना करें तो क्या डांस करें? बिल्कुल। क्या गर्मी है, क्या मौसम है, इस मौसम में तो डांस ही करना चाहिए। डांस डांस डांस, हाँ बजा यार, बजा बजा बजा। अरे अंगूरी, अरे देखो भाई कौन आया है। आ रहे हैं लड़के भैया, आ रहे हैं। अरे यार कितना गर्मी है, अब परेशान हो गए। अरे राम राम अंगूरी भाभी। अरे राम राम, आइए आइए। अरे लड़के भैया, अरे दारोगा जी और मास जी आए हैं। अरे दादा, अरे क्या हाल बना कर रखा है दरोगा जी? अरे कहा बताएं अंगूरी भाभी। अरे क्या दरोगा जी, आप और मास्टर जी अचानक कैसे? ऐसा है भैया तिवारी, मास्टर जी को कूलर चोरी हो गया यार। हाँ बताया था आपने कि कूलर चोरी हो गया। तो क्या मिल गया क्या? अरे गुइया में लगाओ यार।
अगर मास्टर जी को कूलर मिल जाए तो हमें तो सोचो आग उगलती गर्मी में कानपुर की खाक छान रहे होते का। घर में बैठ के आराम से सांप सीढ़ी खेलते। हाय दया, अब मास्टर जी का कूलर अभी तक ना ही मिला क्या दारोगा जी? वो कौन बदतमीज, बेशरम, घटिया आदमी है जिसने मास्टर जी का कूलर चुराया है? उसको तो कीड़े पड़ेंगे। अंगूरी है ओके, ये क्या ये शब्द अपनी जुबान से निकाल रही हो तुम? हटाओ ना, हटाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जो बताओ भैया तिवारी, तुम्हारे घर में जो कूलर लगो है वो तुमने कहाँ से खरीदो है? वो तुम्हारे घर में जो कूलर है वो बिल्कुल मेरे कूलर जैसा है। हाँ मास्टर जी, अब कूलर तो सब एक जैसे ही दिखते हैं ना। हाँ हाँ समझ रहे, तुम्हारी बातें एक जैसे जोड़ो मासे ससुर। तो अब तुम ससुर हमारी बात को जवाब दियो कि तुमने कूलर कहाँ से खरीदो है? अरे हमने कहाँ खरीदा है, हमें तो वो भभूति जी ने दिया है। क्या कह रहे तुम? तुम्हें भैया विभूति ने कूलर गिफ्ट करो है? नहीं ससुर, उनके पास कहाँ से आ गए इतने पैसा? अरे गिफ्ट नहीं किया है भाई, वो हमने उनसे खरीदा है। अच्छा, मतलब पूरे शहर में ससुर कूलर को अकाल पड़ गयो है और भैया विभूति को कहाँ से मिल गो, कहाँ से खरीद लो उनने कूलर? विभूति जी तो कह रहे थे कि दिल्ली से लाए हैं। अरे अब कहीं से भी लाए हैं, अब हमको क्या पता, जो पूछना भभूति जी से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाओ हाओ, तुमसे भी पूछेंगे, भभूति जी से भी पूछेंगे। लेकिन तुम एक बात बता दें भैया तिवारी, माँ साहब को कूलर तो हम सोचो ढूंढ कर रहेंगे, और जो ने माँ साहब को कूलर चुरा हुआ है वो ना माँ को सारे को हवालात में घसीट के ले जाएंगे और अच्छे से हजामत बनाएंगे, तुम देख लो। चलो माँ साहब बताइए, संस्कार नाम का चीज बचाई नहीं? अरे है, दुनिया में है ससुर, इनके घर में नहीं है, तुम तनक तक को ट्यूशन पढ़ा देंगे। लड़की भैया एक बात पूछे आपसे। हाँ। इतना पसीना कहाँ आ रहा है आपको? कहीं मास्टर जी का कूलर आप ही तो ना ही चुराए हैं? क्या बात कर रही हो पगली, अरे पसीना गर्मी की वजह से आ रहा है, तुम क्या बात कर रही हो, हटो, चलो हम नहा दे दो, हटो। ओह माय गॉड, गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही यार, बारिश के दूर दूर तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कोई बादल नहीं। और भैया विभूति कहाँ है? क्या चाहिए आपको? कूलर चाहिए भाई। तो कूलर चाहिए तो फिर कूलर की दुकान पे जाइए ना, यहाँ क्यों आए? हमें हमारा कूलर चाहिए जो चोरी हुआ है। तो जिसने चोरी किया उसके पास जाइए, आप मेरे पास क्यों आए हैं? ऐसा है भैया विभूति, भैया तिवारी के घर में जो कूलर है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मां साहब को चोरी हो गया है। तो आप उनको पकड़िए, मेरे पास क्यों आए? गए थे, लेकिन तिवारी भैया को जो कहनो है कि वो कूलर तुमसे खरीदो है उन्होंने। सादे तिवारी के बच्चे हैं। कब बोली तुम? कुछ नहीं। नहीं नहीं तो फिर बताओ ना कहाँ से खरीदो है तुमने कूलर? वो एक्चुअली हुआ ये कि भाई वो कूलर जो है मैंने पार्सल करके भेजा था कचड़ू को। अरे चाचा जी नमस्कार, कब आए, कैसे हो, कब आए काठमांडू से? कल रात आया हवलदार। अरे चाचा जी आपने दरोगा को हवलदार बना दो तो भाई तूने भी तो जो है लंदन को काठमांडू बना दिया। हाँ 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 समझ गए समझ गए। और बताओ चाचा जी कैसे हो, क्या हाल है? अरे वो सब ठीक है, ये बता तूने मेरे भतीजे खचड़ू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है? ना ना हमने 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 इल्जाम नहीं लगाऊ, हम तो शक कर रहे हैं। अपने शक की बत्ती बना और चाचा जी कान को जा। ये बता भाई ये लौंडा तुझे चोर नजर आ रहा है? अरे चाचा जी अब सबके माथे पे नहीं लिखो रहे तू है कि वो चोर है, लेकिन इसके माथे पे लिखा है कि ये 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। क्या बात कर रहे हैं आप, 100 करोड़ रुपया? हाँ। कैसे कैसे कैसे? ऐसे कि ये मेरा इकलौता भतीजा है और मेरी सारी संपत्ति का ये मालिक है, उसका वारिस है गप्पू सिंह। अरे चाचा जी गप्पू नहीं, हप्पू सिंह। अरे जो भी है, और सुन मेरी इतनी औकात है कि मैं पूरे कानपुर का एयर कंडीशन बना सकता हूँ, और तू मेरे भतीजे पे इल्जाम लगा रहा है? और सुन ले कान खोल के बात, मैं अभी मंत्री जी से कह के तेरी वर्दी उतरवा सकता हूँ।
अरे नहीं नहीं चाचा जी को कर रहे, फोन काटो हम जा रहे माँ साहब जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, चलो माँ साहब। हाँ लेकिन संस्कार नाम का चीज रहा ही नहीं। संस्कार गए तेल लेने, तुम चलो तो। हाँ चलो स्टार्ट करो। वाह चाचा जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कचेड़ो, अच्छा तू एक बात बता दे, तूने कूलर चुराया था? हाँ चुराया था। ये तो हमारी खानदानी परंपरा है, मैं भी गर्मियों में बहुत पंखे चुराता था। अच्छा सुन, बहुत गर्मी है, थोड़ी थोड़ी हो जाए वो तो चल वो सही। तुम अपने चाचा जी को बोल क्यों नहीं देते कि वो यहाँ ना रहे, किसी होटल में जाके रहे? कैसी बातें कर रही हो यार, इतना बुरा लगेगा उन्हें, कितने हर्ट हो जाएंगे वो। यू नो ही सच्चा सोफिस्टिकेटेड, सच्चा हाइपर सेंसिटिव काइंड ऑफ अ गाय, यू नो। आप नहीं बोल सकते तो हम बोल दें क्या? आप दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं हमारे घर के मामलों में? आप होते कौन है? अरे यार तो फिर आप बोल दीजिए ना। आपके चाचा जी इतना रायता फैलाते, इतना रायता फैलाते, रायता फैलते फैलते हमारे घर तक आ जाते और हम गीले हो जाते हैं। गीले हो जाते, जाइए ऊपर जाके बैठ जाइए, धूप में सूख जाएंगे, गीले हो जाते हैं। जाओ ना विपु, दरवाजा खोलो। मुंडू हूँ क्या?